صلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدقت يا رب دوستو بزرگوں दूसरा पारा है सूरतुल बकरा आयत नंबर 236 से। इससे ऊपर की आयत में जो औरत खावन मर जाए, जिस औरत का खावन मर जाए तो वो उसकी इद्दत जो है कितना है? 4 महीने 10 दिन, जबकि वो बीवी हमल से ना हो। अगर हमल है तो बच्चे की पैदाइश उसका उसकी इद्दत है। और फिर इस इद्दत के अंदर दो काम की इजाज़त है, दो काम की इजाज़त नहीं, वो चारों बयान हो गए। आज की ज़ेर दर्स आयतों में फिर तलाक के बारे में है। वो औरतें जिनको तलाक दी गई और रुख्सती से पहले, हाथ लगाने से पहले, हाथ छूने से पहले और उसके लिए महर मुकरर नहीं किया, महर भी मुकरर नहीं किया हो, तो उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली आयत में आयत नंबर 236 में उसको ज़िक्र किया है। और बाद वाली आयत में वो औरत जिनको तलाक दी गई और हाथ लगाने से पहले और उसके लिए महर मुकरर किया गया, तो महर के बारे में है। महर भी ये औरत का हक है और उसका देना लाजमी है। खावन के ऊपर इस औरत का महर देना वाजिब है। यहाँ तक किताबों ने लिखा है कि अगर मर्द हक महर अदा न करे और उसकी बीवी उसको अपने पास न छोड़े, बीवी को हक है, बीवी को यह हक है, शरीयत के इस्तेमाल में वो गुनाहगार नहीं हो। और जिसने हक महर अदा किया है और खावन उसको बुलाए और ये ना आए तो सख्त गुनाह है। लेकिन जब महर अदा न किया हो और औरत अपने से वो शौहर को रोक ले तो उसको ये हक है शरीयत में। और सूरतुन निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वआतुन निसा सदुकातिहिन निहला, दे दो औरतों को उसका हक महर खुशी के साथ, खुशी के साथ उस महर को देकर। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये महर भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बगैर महर के निकाह शिगार है, और निकाह शिगार जो है बगैर महर के हराम है, बगैर महर के निकाह करना ये हराम है। और बिल्कुल महर से इनकार करे कि मैं महर मानता नहीं, देता नहीं या कोई हक नहीं है, तो वो निकाह हो नहीं सकता।
हाँ अगर मुकरर नहीं किया है तो फिर महर मिसल देना पड़ेगा, बगैर महर के निकाह हो गया, ठीक है फिर बाद में देखेंगे। लेकिन फिर बाद में कितना मुकरर किया जाए, फिर उस माशरे में उसी ख़ानदान के इस उम्र की लड़की के कितना महर मुकरर हो चुके हैं इसी ख़ानदान में, इसी उम्र की लड़कियां जो और औरों की निकाह हो चुके हैं उनका महर कितना मुकरर हो चुका है, तो इतना महर इसके भी मुकरर हो चुका, इसको महर मिसल कहते हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ला जुनाह अलैकुम, नहीं है कोई गुनाह तुम्हारे ऊपर, इन तल्लक्तुमुन निसा, अगर तुमने तलाक दिया औरतों को, तलाक ऊपर मैंने कहा कि मुबाह कामों में जायज कामों में जो अल्लाह को सबसे नापसंद है वो तलाक, लेकिन बवजह मजबूरी कोई और चारा ना हो, जिंदगी मियाँ और बीवी की जिंदगी नहीं चलती है तो फिर तलाक की सूरत ये जायज़ है, लेकिन हद तो इनकार इससे बचने की कोशिश करें। अल्लाह फरमाता है ला जुनाहा अलैकुम, कोई गुनाह नहीं तुम्हारे ऊपर, इन तल्लक्तुमुन निसा, अगर तुमने औरतों को तलाक दी हो, मा लम तमस्सुहुन्ना, वो जो तुमने नहीं छुआ हो उनको, यानी रुख्सती नहीं हुई हो, हम बिस्तरी नहीं हुई हो से, औ तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीज़ा, और तुमने मुकर्रर नहीं किया हो उसके लिए महर, महर भी मुकर्रर नहीं किया हो, तो फिर क्या करना है, वमत्तिउहुन्ना, फ़ायदा पहुँचाओ उनको, अलल मूसी क़दरुहू व अलल मुक़्तरी क़दरुहू, खुशहाल आदमी मालदार आदमी के ऊपर उसके अंदाजे के मुताबिक, उसकी वसअत के मुताबिक, मालदार आदमी है फिर कंजूसी न करे, वो अपने वसअत के मुताबिक अपने गुंजाइश के मुताबिक उसको दे दे, व अलल मुक़्तरी क़दरुहू, और फ़कीर है तंगदस्त है वो अपने हैसियत के मुताबिक, मालदार आदमी अपने हैसियत के मुताबिक ले दे और फकीर अपने हैसियत के मुताबिक ले दे, मताअन बिल मारूफ, फायदा पहुंचा रहा है दस्तूर के मुताबिक, हक्कन ये लाजिम है अलल मुहसिनीन, नेकी करने वालों पर। अब देखो निकाह हो गया, महर वगैरह नहीं, निकाह हो गया महर मुकर्रर नहीं और तलाक दे दिया और रुख्सती भी नहीं हुई है, इस पर गौर कर ले, आजकल इस तरह ये औरतों के हकूक पायमाल हो रहे हैं, निकाह हो गया रुख्सती नहीं हुई है महर भी मुकर्रर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जो मालदार आदमी है अपने हैसियत के मुताबिक दे दे और गरीब अपने हैसियत के मुताबिक। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से कौन है कि मालदार आदमी कितना दे, मिसाल के तौर पर एक गुलाम दे दे, अब एक गुलाम की कीमत आजकल लाखों के इतबार से आजकल तो गुलाम है, और अगर गुलाम नहीं दे सकते तो फिर उसमें कमी करे फिर चांदी दे दे, और उससे भी कम तो फिर क्या है जोड़े कपड़े, इतना जोड़े कपड़े दे दें जितना उसमें औरत के लिए उसमें नमाज पढ़ना जायज हो, यानी उसका बदन सतर छुपा जाए छुप जाए, ये जरूरी है खाउन के ऊपर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ला जुनाह अलैकुम, इन तल्लक्तुमुन निसा मा लम तमस्सुहुन्ना अव तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीज़ा वमत्तिउहुन्ना अलल मूसी क़दरुहू व अलल मुक़्तरी क़दरुहू मताअन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। तलाक, अब ये निकाह हो गया रुख्सती से पहले तलाक खावन ने दे दिया तो उसके ऊपर इद्दत, इद्दत के बारे में कहा है याद है, तो उसकी इद्दत है या नहीं है, जवाब नहीं याद है, जब उसकी इद्दत नहीं है। सूरह अल-अहज़ाब या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअ्मिनात
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا उनको फायदा पहुंचाओ और وسرحوهن उसको रुखसत करो سراحا جميلا बेहतरीन तरीके से उसको रुखसत करो समझ अल्लाह अकबर देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत औरत के ऐसे हुकूक बयान किए आजकल इस तरह बस निकाह हो गया रुख्सती नहीं हुई तलाक हो गई तलाक महर भी मुकर नहीं कुछ नहीं खावन कुछ नहीं देता ये उस औरत की दिल शिकनी हो जाती है तो उसके दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए और अगर इस निकाह के दौरान सिर्फ निकाह हो गया अब रुख्सती नहीं हुई है खावन मर गया तो इस खावन की माल में ये विरासत का हकदार है अगर चे रुख्सती नहीं हुई शायद नहीं हुई फिर भी ये औरत अपने खावन की माल में विरासत का हकदार है और अगर निकाह हो गया रुख्सती नहीं हुई खावन मर गया फिर भी इसके ऊपर इज्जत 4 महीने 10 दिन इद्दत तो है नहीं लेकिन फिर अगर खावन मर गया तो फिर इद्दत अल्लाह अकबर वइन तलक्तुमुहुन्ना और अगर तुमने तलाक दिया उन औरतों को मिन कब्ल अन तमस्सुहुन्ना उसको छूने से पहले हाथ लगाने से पहले या जिमा करने से पहले वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़तन और यकीनन तुमने मुकर्रर किया हो उनके लिए महर मुकर्रर किया है ऊपर की आयत में क्या कि वह महर मुकर्रर ना हो वो तो बयान हो गया अब महर मुकर्रर हो चुका है रुख्सती नहीं हुई है जिमा नहीं हुआ तो अब तलाक दे दिया तो अब क्या किया जाए अल्लाह फरमाते हैं तो फिर वो आधा महर देना है कितना महर देना है जितना महर मुकर्रर हो गया है और रुख्सती नहीं हुई है और तलाक खावन ने दे दिया तो फिर उस महर का आधा है मसलन 2 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए देना और अगर रुख्सती हो गई और खलवत सहीहा भी हो गई जिमा हो गया फिर उसके बाद तलाक देता है तो पूरा महर का हक है फिर औरत को पूरा महर दिया जाए ये बहुत अहम मसाइल है और ये अहकामात इलाही है ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अहकामात नाजिल किए हैं ये औरतों के हकूक है आजकल उसके साथ जुल्म हो रहा है नहीं होते इस वजह से परेशानियां आए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वइन तलक्तुमुहुन्ना अगर तुमने तलाक दिया उन औरतों को मिन कब्ल अन तमस्सुहुन्ना जिमा से पहले वक़द फ़रज़्तुम और तुमने मुकर्रर किया हो लहुन्ना उनके लिए फ़रीज़तन महर फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम फिर आधा है वो जो तुमने मुकर्रर किया है रुख्सती से पहले तलाक हो गई तो फिर कितना है इल्ला अन याफूना औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह मगर ये कि वो माफ कर ले औरत कहती है कि मैं नहीं मांगती हूँ औरत साहिब हैसियत है खावन को कहती है मैं नहीं मांगती मैंने माफ किया पर ठीक है मुझे तलाक दिया मुझे पैसों की भी जरूरत है माफ की जरूरत है खावन को माफ करे वो उसकी इख्तियार है और आजकल महर जब मुकर्रर कर लेते हैं तो पहले 8 लाख 10 लाख रुपए जो मुकर्रर होते हैं तो खासकर ये पठानों में 10-12 लाख 15 लाख और फिर औरत को उसकी शादी नहीं कराते जब तक वो 8-10 लाख रुपए नहीं दिए इनके वारिसीन उससे 8-10 लाख जो मुकर्रर है कोई 15 लाख भी मुकर्रर करते कोई 20 लाख मुकर्रर करते और फिर वो उसमें 5, 6, 7, 8 साल लगते हैं उसकी महर की अदायगी में समझिए और ये रोक के रखा यदि जब तक याद ना करें हम नहीं दे और फिर जब वो दे फिर वो बाप या वारिसी के फिर मर्जी उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करते हैं ये भी गलत है ये हक है औरत का अब वो बेचारी शर्माती है उसको
बाप उसको कहता है भाई कहते हैं मुझे इजाजत है इस्तेमाल कर सकता हूँ, तुम उसको हवाला करो, उसकी शादी कराओ, फिर उसके बाद दो तीन महीने के बाद फिर उसको कहो कि मेरे को दे, फिर पता चले दोस्तों जो ये महर ये हक है किसका, औरत का हक, ये औरत का हक है। अच्छा फिर एक और रस्म है, जब निकाह हो जाता है ना, निकाह हो गया, निकाह जब करते हैं महर मुकर्रर हो गया, महर मुकर्रर हो गया 6 लाख रुपये मिसाल के तौर पर 6 लाख मुकर्रर हो गया और 10 बन जाए और उस पर निकाह भी हो गया, महर मुकर्रर हो गया, निकाह हो गया, अब ये 6 लाख रुपये जो है ये किसका हक है, हाँ बस जब निकाह हो गया अब वो फिर क्या कहते अब उसको माफ कर, फिर उसकी जवारिसी ने 10,000 रुपये इसके लिए है, 10,000 इसके लिए है, 10,000 इसके लिए, 50,000 इसके लिए, 20,000 उसके लिए, तुझे किसने अख्तियार दिया माफ करें, ये हक महर हक है किसका, वारिसी ने उसके पहले अख्तियार अल्लाह चला था, बहुत से किस किस को पहलु के बयान करे अल्लाह अकबर। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने शादी की और फिर 10,000 दिरहम दिए, निकाह किया, शादी करने से पहले उसको तलाक, हसन रजी अल्लाह तआला, हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा, हजरत अली करम अल्लाह वजू का भाई, हुसैन का हजरत अली का बेटा और हुसैन का भाई, बीवी को तलाक दे दिया शादी से पहले रुख्सती से पहले, तो 10,000 दिरहम दिए, फिर भी उस बीवी ने कहा कि महबूब और मकबूल के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं, वो जो महबूब है मकबूल भी है हसन उसके मुकाबले में ये कुछ नहीं, फिर भी वो नाराज है। बात दूसरी रिवायत में है कि 20,000 दिए, 20,000 दिरहम और एक दिरहम, 20,000 दिरहम पाकिस्तान के कितने बनते हैं, अल्लाह अकबर। वइन तलक्तुमुहुन्ना, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुमने तलाक दिया उन औरतों को, मिन कब्ल अन तमस्सुहुन्ना, हाथ लगाने से पहले यानी रुख्सती से पहले, वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़ा, और तुमने मुकर्रर किया हो उनके लिए महर, फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम, फिर आधा महर, तलाक दे दिया, महर मुकर्रर है तो फिर कितना है, आधा है, और अगर महर मुकर्रर नहीं है फिर फ़ायदा दे रहा है, और वो साहिब हैसियत आदमी, मालदार आदमी अपने हैसियत के मुताबिक दे और गरीब आदमी अपने इल्ला अन याफूना, मगर ये कि औरत माफ़ करे, औरत माफ़ करे वो उसके इश्तेहार है, औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, तवज्जो, औ याफू अल्लज़ी, या माफ़ करे वो शख्स, बियदिही उक़दतुन निकाह, कि उसके हाथ में हो कीरा निकाह का, निकाह का, निकाह और तलाक की इख्तियार किसके पास है, मर्द के पास, निकाह हो गया अब उसको निकाह को ख़त्म करना या बरकरार रखना ये इख्तियार किसके, मर्द का, इख्तियार किसके, और आजकल आजकल शौहर ने अगर एक तप्पड़ लगा दिया या गुस्से से बात की सीधा और चले मुझे ये सुननी चाहिए, समझ गया, शौहर अगर कोर्ट अदालत उसको बुलाते हैं कि आ जाओ, अगर वो नहीं है उसके पीछे लेटर आ जाते हैं कि पकड़ा हो, अल्लाह तो इख्तियार है तलाक देने का, इख्तियार किसके पास है, मर्द के पास है, शौहर के पास है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अव याफू अल्लज़ी, या माफ करे वो शख्स, शख्स कैसे रहे, बिया दे है जिसके हाथ में उक़दतुन निकाह, गिरा निकाह का, निकाह के इख्तियार जिसके पास है, तलाक और निकाह के इख्तियार, वो माफ़ करे, वो कैसे माफ़ करे, महर किस तरह माफ़ करे, यानी आधा महर है तो औरत माफ़ करे कि मैं कुछ नहीं लेती हूँ, या माफ़ करे वो शख्स जिसके हाथ में निकाह का घिरा है, तो मतलब ये है कि आधा महर के बजाय वो पूरा महर दे, सही से ये भी माफ़ करे, इसके साथ अच्छा ही एहसान कर रहा है। आगे अल्लाह ने फरमाया अन तअफू, ये कि तुम माफ़ करो, अक़रबु लित्तक़्वा, ये ज़्यादा करीब है तकवा के लिए,
तक्वा और परहेजगारी के लिए यह ज्यादा करीब है। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तंसौल फज़्ल बैनकुम, मत बोलो एहसान आपस में, एक दूसरे के साथ फजल करना, एहसान करना मत भूलो, एक दूसरे के साथ अच्छाई किया करो, एक दूसरे के साथ अच्छाई किया करो। इन अल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बिमा तअमलून, जो भी तुम अमल करते हो बसीर, देखने वाला है। ए इंसानों, जो तुम जो भी अमल करते हो अल्लाह देखने वाला है। तो अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह को कुदरत भी है, ताकत भी है, और कल अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को ये इख्तियारात दिया है, ताकत दी है, तो ये अपनी ताकत को जायज तरीके से अल्लाह के कानून के मुताबिक इस्तेमाल करे। अगर इस ताकत को जो अल्लाह ने दिए है, तो इस ताकत को ये कानून इलाही के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, कल अल्लाह उससे पूछेगा और उसको पकड़ेगा। तो दोस्तों, जो कल जैसे मैंने कहा, कल कहा था कि जो भी अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी करता है, कदम उठाता है या बात करता है और जानबूझ करके करता है, तो ये जहन में रखो कि कल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे से पूछा कि ये काम क्यों किया, या इस तरह गलत बात तूने क्यों कही, तो मैं अल्लाह के दरबार में अल्लाह के सामने क्या जाऊँगा, और जब अल्लाह फिर मुझे उस की जुर्म में पकड़ेगा तो मुझे छुड़ाएगा, वहां तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। يوم ينفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون, जब सूर फूंका जाएगा तो फिर वहां नसब कोई काम नहीं, नसबदारी कोई काम हाँ। हर एक لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه, हर एक को अपनी फिक्र लाहिक होगी, बाप को अपनी फिक्र है, बेटे को अपनी फिक्र है, बीवी को अपने है, शोहर को अपने है, माँ को अपने है, और बेटी को अपना है, बच्चों को अपना है, हर एक अपने फिक्र में लगा हुआ होगा। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत जो तुम अमल करते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत देखने वाला है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज के बारे में जिक्र किया है, उस पर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल बयान होगा। जो कुछ कहा और आप हज़रत सुना, अल्लाह अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए, यही हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। वा आख़िर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।